हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ शो दी प्रोटेक्टर के सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सीजन 3 से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि एक्चुअल में हमें सीजन 3 में देखने क्या मिला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर इसके सीजन 3 को देखो। बट हाँ, एक प्रोग्रेस हुआ है सीरीज में, जो कि है इसके एपिसोड हर सीजन के हिसाब से कम होते जा रहे हैं। यह आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पहले सीजन में टोटल 10 एपिसोड थे, उसके बाद सीजन 2 में 8 और सीजन 3 में अब हमें 7 एपिसोड देखने मिले है। जबकि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा शो है जिसे दूसरे सीजन में पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये शो नहीं हुआ और अब ये शो हमें इसके सीजन 4 में ले जाएगा, जिसके रिलीजिंग ईयर को 2021 का रखा गया है। लेकिन सच में जिस तरीके का इसका सीजन 1 था, उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि सीजन 2 में हमें ये शो कुछ स्पेशल देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं ये बात भी साफ तौर पर क्लियर कर देता हूँ कि मैं सीजन 3 का रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। एक हिसाब से आप मेरी पूरी की पूरी बातों को इसका रिव्यू ही समझो। और अगर रेटिंग की बात करो तो मैं शो को सीधे सीधे सी माइनस की रेटिंग दूंगा और आपसे यही कहूंगा कि आप इस शो से कोसों दूर रहे और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, जो कि मैंने किया है आपको अपडेट देने के लिए। इसलिए वीडियो को तो लाइक बनता ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में सीजन 3 को पूरी तरीके से कवर कर आपके टाइम को बचा लूंगा, वो भी आपका काफी कम से कम समय लेकर। तो चलिए अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ बढ़ते हैं इसके सीजन 3 के पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन पर। सो फ्रेंड्स, सीजन 3 की बात करने से पहले सीजन 2 के एंड को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि हकान के भाई 11 ने किस तरीके से सारी की सारी चीजों को बर्बाद करते हुए खुद को रोया के प्यार में पाया। 11 उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसने रोया के कहने पर पूरे के पूरे इस्तांबुल को बर्बाद करने की भी ठान ली है। जहां पर हमें 11 का कैरेक्टर आखिरी बार हमें रिवर के डैम ब्रिज पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर उसके हाथ में एक वायरस है और उस पर किसी ने गन पॉइंट की हुई है, जिसके बाद सीजन 3 में यह बात कंफर्म कर दी गई कि उस वायरस को पानी में गिरा दिया गया था, जिसके चलते काफी लोग अब उस वायरस के शिकार हो गए हैं और कुछ जगहों को तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने सीज भी कर दिया है, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उस जगह से निकलकर शहर की तरफ ना बढ़े, दूसरे इलाकों की तरफ। और इसी अननोन शख्स ने 11 को पकड़कर भी रखा हुआ था और उसे इतना टॉर्चर किया, वो भी तब तक ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि वहां पर उस वायरस को 11 के खून से ही बनाया गया था। लेकिन जैसे तैसे 11 उस सिचुएशन से भाग निकला और अब वो जगह उसी इन्फेक्टेड जोन में है, जहां पर जाना फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। और उसी जगह पर जिस सेल में 11 को रखा गया था, उसके दूसरे सेल में एक साइंटिस्ट औरत को भी रखा गया था, जिसका नाम निशांत है, और निशांत ने ही उस वायरस को बनाया है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो निशांत के पास उस वायरस का क्योर भी होगा, और इसीलिए हकान और जैनब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस बुरी सिचुएशन में जाएंगे और वहां से निशांत को छुड़ाकर ले आएंगे, ताकि उसकी मदद से क्योर बनाया जा सके और इस्तांबुल को फिर से बचा लिया जाए, क्योंकि प्रोटेक्टर यही करते हैं। लेकिन इस जोन के अंदर जाने के लिए उनकी मदद बुरान नाम का कैरेक्टर करता है, जो जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो वहां पर लोगों को सप्लाईज देता है ताकि उसमें इसका भी फायदा होता रहे। के बाद वो हकान और जैनब को इस्तांबुल की टर्नल्स की मदद से उस जोन में ले आता है, जहां पर जाने के बाद हकान काफी आसानी से जैनब और निशान को सिचुएशन से छुड़ा लाते हैं, जहां पर निशान ये देखकर चौंक जाती है कि हकान को गोलियां नहीं लग रही। और हां, जैनब पर आ जाए तो जैनब उस जोन में काफी आसानी से घुस जाती है, तब जब हकान अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैनब को उस जगह पर पकड़ लिया जाता है निशान की गलतियों की वजह से, क्योंकि वो काफी डरी हुई रहती है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और हकान ने सारी की सारी सिचुएशन संभाल ली है। लेकिन इस सीरीज के रनिंग टाइम को बढ़ाने के लिए इस सीरीज में एक और विलन ऐड कर दिया गया, जो कि इमोर्टल्स का लीडर वजीर है, जिसे अब तक किसी ने भी नहीं देखा। और वजीर को सीजन 1 के एंड में फैजल ने जिंदा किया था, जो सिचुएशन से भागकर अलग होकर अपना ही काम कर रहा था। और अब वजीर हकान और फैजल को हटाकर इस्तांबुल पर राज करना चाहता है, जिसमें उसने सीधे सीधे 11 को पकड़ लिया है, क्योंकि 11 बार बार बेवकूफियां करता रहता है और उसने ये बेवकूफी जोया के पास जाकर भी की थी। लेकिन अभी तो फिलहाल वो वजीर के कब्जे में है, जिस जगह को लोकेट करते हुए रोया फैजल के साथ पहुंच गई है, क्योंकि रोया किसी भी कीमत में वजीर के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती और वो एक हिसाब से पूरे के पूरे इस्तांबुल पर अकेले ही राज करना चाहती है। लेकिन फैजल सिचुएशन को समझते हुए वजीर से हाथ मिला लेता है, क्योंकि वजीर उन लोगों को ट्रिक कर एक गड्ढे में फंसा देता है, जहां से निकलने के लिए वो उन्हें सीधे सीधे यही वार्निंग देता है कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग किसके गुलाम है और उनका लीडर अब भी वजीर ही है। लेकिन जिस लोकेशन पर रुया और फैजल पहुंचे थे, उस पूरे के पूरे एविडेंस को वजीर ने जला दिया, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि वजीर ने काफी शुरुआत से ही अकान और इमोर्टल्स पर नजर रखी
की हुई थी और वो बस वेट कर रहा था अपने परफेक्ट प्लान का जिसे अब वो सीजन 3 में कंप्लीट करेगा। बट रिया भी अपना दिमाग लगाते हुए कुछ फोटोज को अपने दिमाग में कैप्चर कर लेती है और ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि एक्चुअल में 11 को कहां पर छुपाया गया है, क्योंकि वजीर ने उसे जिस जगह पर छुपाया है वहां पर वजीर ने उसे पता नहीं मारा नहीं बल्कि उसे जख्म दे दिया है ताकि 11 धीरे धीरे ब्लड लॉस होने से ही मर जाए, क्योंकि उसके खून से इस वायरस के एंटीडोट को बनाया जा सकता है जिसकी कंफर्मेशन निशान ने की है। और अब किसी भी हालत में हकान अपने भाई को ढूंढ रहा है जहां पर हकान की मदद फिर से बुरान करता है ये बताकर कि जिस टैटू को उसे एक्सीडेंटली दिखाया गया है वो टैटूज एक्चुअल में शहर में कोई लोग बनाते हैं, यानी वही जो पैसे लेकर कुछ भी काम करते हैं। जिसके बाद हकान उसे पकड़कर अपने भाई की लोकेशन का पता लगा लेता है और सीधे अपने भाई के पास पहुंच जाता है और रोया भी वहां पर 11 को मारने के लिए आ जाती है। बट वो इसमें भी फेल होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं 11 से प्यार करने लगी है और अब निशान उसका ब्लड लेकर एंटीडोट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच 11 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वजीर उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ठीक लाया के कैरेक्टर की तरह जिसे सीजन 2 में फैजल ने कंट्रोल किया था और उसे मार दिया। और यहाँ पर भी 11 पहले तो हकान को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद वो समझ जाता है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए 11 खुद को मार देता है ताकि वो अपने भाई हकान को नुकसान ना पहुंचाए और इससे हकान को एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा है। और दूसरी तरफ हमें एक और ट्विस्ट तब मिलता है जहां पर फैजल रुया को एक आम इंसान बना देता है उसे एक तरीके का पोषण पिलाकर जो पोषण सिर्फ किताबों में ही था, यानी देखा जाए तो फैजल इस पोशन को कई सालों से कैरी कर घूम रहा है क्योंकि फैजल नहीं चाहता कि वो और आगे इमोर्टल बनकर रहे और वो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता है इंसानों की तरह, जिसकी वजह से रोया बहुत ज्यादा डरने लगी है कि उसे कौन कहीं से भी आकर मार सकता है। और फैजल ने ये सब बस इसलिए किया है ताकि वजीर उससे कोसों दूर रहे और हाँ बाकी प्रोटेक्टर्स भी। तो अब वजीर ने किसी न किसी तरीके से फैजल को जेल में डलवा दिया है ये प्रूव करवा कर कि फैजल ही शहर के वायरस के पीछे था, फैजल की कंपनी, इसलिए फैजल अब जेल में है। और दूसरी तरफ आ जाए वजीर पर तो वजीर इन इमोर्टल्स का लीडर इसलिए है क्योंकि वजीर आईने में से सभी को कंट्रोल कर सकता है, यानी वो कहीं पर भी हो बस मिरर में देखकर लोगों से काफी आसानी से बात कर सकता है और यही चीज उसे बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, सभी के सभी इमोर्टल्स का लीडर। और अब आ जाए रुया पर तो रुया को यहाँ पर अपने जाल में फंसाने के लिए हकान ने एक बेकार और सड़ा हुआ सा प्लान बनाया है जिस प्लान में वो रुया को फंसाकर उससे सारे के सारे राज निकलवाएगा और ये पता लगाएगा कि एक्चुअल में वजीर है कौन। और इस प्लान में अब हकान ने सारे के सारे नए खादिमों को भर्ती करने की ठान ली है ताकि उन सब की मदद से रुया को मजा चखाया जा सके, उसे डराया जा सके कि मौत उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और इसमें भी हकान अपनी टीम के साथ कामयाब होता है और जैनब रुया से दोस्ती कर लेती है उसे अपने घर में छुपाकर। लेकिन इसी बीच जैनब रुया को अपनी बहन मानने लगी है और कहीं ना कहीं रोया भी ऐसा समझती है, इसलिए वो दोनों अपनी फीलिंग्स आपस में शेयर करते रहते हैं क्योंकि एक तरफ जैनब ने कहीं ना कहीं हकान से ब्रेकअप कर लिया है। ये पता चलने के बाद कि जब भी जैनब हकान के पास रहेगी तो हकान मौत के उतना करीब जाता जाएगा, जिस बात पर हकान को भी बिलीव नहीं होता, लेकिन जैनब किसी न किसी तरीके से इस बात पर बिलीव करती है और हकान को खुद से दूर कर देती है, यानी हकान की नजदीकियां निशान के कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है और जैनब की बुराक के कैरेक्टर की तरफ, जहां पर वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में है और ये बात हकान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए हकान बार बार बुराक के कैरेक्टर पर शक करता रहता है कि शायद उनकी टीम में वही इकलौता अलग है जो खादिम की फैमिली से नहीं आता और शायद हो सकता है कि वही वजीर हो। तो वजीर की आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए आते हैं बाकी दूसरी डिटेल्स पर कि एक्चुअल में वजीर चाहता क्या है, वजीर का प्लान क्या है। तो वजीर का प्लान ये है कि वो एक चाबी ढूंढ रहा है जिस चाबी के टोटल 4 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से चाबी के 3 हिस्से फैजल के पास है और एक हिस्सा अभी भी गायब है जिसका पता किसे भी नहीं है और ना ही हकान को, जिसके लिए हकान को बार बार अपने बीते कल में जाना होता है यानी एंशियंट टाइम पर, ताकि वो ये पता लगा सके कि उस चाबी का आखिरी हिस्सा कहां पर है। और इसी बीते कल में जाकर हकान ये पता लगाने की भी कोशिश करता है कि एक्चुअल में वजीर कौन है, क्योंकि पहले के प्रोटेक्टर ने सबसे पहले वजीर को ही मारा था और उसके बाद बाकी दूसरे इमोर्टल्स को, लेकिन उन सपनों में हकान ये नहीं पता लगा पाता कि एक्चुअल में वजीर दिखता कैसे है और इससे हकान और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और हाँ, हकान अपने बीते कल में जाने के लिए पहले तो खुद को मौत के बीच झुलवाता है बुराक को, ये कहकर कि वो उसे पानी में डुबा कर रखे ताकि वो जिंदगी और मौत के बीच आ जाए और सीधे अपने बीते कल में चला जाए, जिसके बाद निशान वहां पर दूसरी तरकीब निकालती है किसी फ्लावर से उसे अपने बीते कल में पहुंचने के लिए, जिसमें वो लोग सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अगेन अब तक हकान के हाथों ऐसा कोई भी सुराग नहीं लगा है और न ही ये कि चाबी का वो आखिरी हिस्सा कहां पर छुपाया गया है। लेकिन अब फैजल वजीर के कहने पर जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है और अपने साथ कुछ लोगों को भी शामिल कर लेता है, जिसके बाद उसे रुया का एक मैसेज मिलता है जहां पर रुया शहर से भागने की प्लानिंग कर रही है ताकि फैजल और वजीर उस तक ना पहुंच पाए और ना ही उन्हें ये पता चले कि चाबियों को कहां छुपाया गया है। जिसके बाद एयरपोर्ट पर किसी न किसी तरीके से फैजल बाकी लोगों को लेकर पहुंच जाता है और वहां पर हमें एक बैटल दिखाई जाती है जिस बैटल से फैजल के बाकी लोगों को नुकसान होता है और फैजल भी उस बैटल से भाग जाता है। बट रुया यहां पर मान जाती है कि वो
हकान और उसकी टीम के साथ मिलकर फैजल को पकड़वाएगी, जो कि अपने एक फार्म हाउस में जाकर छुपा हुआ है, जहां पर पहुंचते के साथ में ही हकान रुया और फैजल को कैद कर देता है, वो भी उस जगह पर कैमरा लगाकर, ताकि उन दोनों की नजदीकियों से उसे चाबी का पता चल जाए। लेकिन यहां पर भी उसका प्लान फेल होता है, क्योंकि बुराक पर शक करने की वजह से जब वो लोग बुराक को वहां पर लेकर आते हैं तो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि बुराक फैजल और रुया को वहां से छुड़ाकर भाग गया, क्योंकि वही वजीर है और अब वो दोनों उस चाबी को लेकर वजीर से जाकर मिल जाएंगे। जिसके बाद जैनब ये याद करती है कि रुया ने उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था, जो मुलाकात उसने इस्तांबुल के किसी ब्रिज पर की थी। जिसके बाद हकान और जैनब उसी ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां पर रुया ने एक्चुअल में उन कीज के बाकी टुकड़ों को छुपाया था। और इस बीच हकान और जैनब फैजल और रुया को चेस करते हैं, जिस दौरान एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है और रुया की मौत हो जाती है, और इससे फैजल अब और भी ज्यादा पागल हो गया है। और चेजिंग के दौरान फैजल और रुया काफी दूर निकल जाते हैं, क्योंकि जिस कार हकान और जैनब फैजल का पीछा कर रहे थे वो कार काफी पुराने जमाने की थी, जिसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं। और दूसरी तरफ जैनब किसी भी हालत में बुराक को ढूंढना चाहती है, ताकि वो उससे मिलकर ये पता लगा सके कि वही वजीर है या नहीं, क्योंकि इसके पहले जब सारी की सारी टीम एक साथ एक ही जगह पर थी तो वहां पर हकान ने उसी अपनी करामाती रिंग के जरिए वजीर को पहचानने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि एक्चुअल में हकान की रिंग को बदल दिया गया था, जिसका शक सीधे सीधे बुराक पर ही जाता है। और अब इसके लिए हकान पूरी तरीके से जिम्मेदार जैनब को ही मानता है, इसीलिए अब ये प्रूफ करना चाहती है कि वो सही थी या गलत। और दूसरी तरफ अपने बीते कल में जाते हुए हकान को एक सक्सेस मिलती है और उसे ये पता चलता है कि उस चाबी का आखिरी हिस्सा एक्चुअल में प्रोटेक्टर ने अपनी ही स्वॉर्ड्स के एक हेड में छुपा दिया था, जो स्वॉर्ड एक्चुअल में एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे लेने के लिए फैजल के लोग भी आए हैं और हकान भी। लेकिन फैजल के लोगों के पास जैनब है, जिसे वो लोग गन पॉइंट पर रखकर हकान को ये ऑप्शन देते हैं कि वो या तो इस्तांबुल को बचा ले या फिर जैनब को, क्योंकि अगर वो दोनों को बचाने की कोशिश करेगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं। जिसके बाद हकान वहां पर जैनब को छोड़कर इस्तांबुल को चुनता है, जो कि जैनब को ठीक भी लगता है। लेकिन जैसे ही फैजल के लोग जैनब को मारने वाले होते हैं तो वहाँ पर बुराक पहुंचकर वो गोली खुद पर खा लेता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि बुराक एक्चुअल में वजीर है ही नहीं, जिस पर अब हकान को बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, जिसका गुस्सा वो निशान पर भी निकालता है। लेकिन इस बीच उन दोनों के बीच बात बदलती है और दोनों में काफी ज्यादा प्यार हो जाता है, जिस दौरान हकान रात में उठता है और फिर से खुद को इंजेक्ट कर अपने बीते कल में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वजीर है कौन, और फिर उसके सामने एक राज निकल कर आता है कि एक्चुअल में निशान ही वजीर है, जो हकान की ऐसी हालत पर उससे वो चाबी का आखिरी हिस्सा ले जाती है और वहाँ से सीधे फैजल के पास पहुँच जाती है और उसे ये कहती है कि अब उन लोगों को एक बड़े मिशन को अंजाम देना है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हकान की पावर्स फिर से चली गई है, क्योंकि उसने इमोर्टल्स के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको सीजन 2 में भी कर चुका हूँ कि अगर ऐसा होता है तो प्रोटेक्टर की पावर्स चली जाती है और अब हकान को अपनी पावर लाने के लिए मरना होगा, ताकि वो सारे के सारे बंधनों से आजाद हो सके। जिसके बाद वो जैनब और अपनी टीम के लोगों की मदद लेता है, जो उसे मारते हैं और हकान अपनी अधमरी जिंदगी से फिर से जिंदा होता है और उसकी पावर्स फिर से वापस आ जाती है। जिसके बाद वो सीधे पहुंच जाता है वजीर और फैजल के प्लान को फेल करने के लिए, जो प्लान एक्चुअल में पूरे के पूरे इस्तांबुल को इमोर्टल्स बनाने का है, वो भी उसी की मदद से, जिस की को एक बड़े पुराने एंशिएंट पत्थर पर लगाया जाएगा, जिससे पूरी की पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, इस्तांबुल में, जिससे सारे के सारे लोग वजीर की बातों को सुनने लगेंगे और उसे फॉलो कर इमोर्टल्स बन जाएंगे। तो अब आते हैं वजीर पर, कि वजीर ये सब कर क्यों रही है। वेल, वजीर को एक्चुअल में सीधे सीधे प्रोटेक्टर ने धोखा दिया था, पुराने वाले प्रोटेक्टर ने, जो उससे प्यार करता था वो भी सिर्फ उसे यूज करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो वजीर की मोहब्बत प्रोटेक्टर के लिए सच्ची थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टर की होना चाहती थी अपने सारे के सारे मिशंस को छोड़कर। लेकिन प्रोटेक्टर ने उसे मारकर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया, जो कि वो आज है। इसलिए प्रोटेक्टर हकान उसे अपनी सच्ची मोहब्बत देना चाहता है, जो उसे एक्चुअल में मिली ही नहीं। और यहाँ पर वजीर फिर से हकान के उस झांसे में नहीं पड़ने वाली, और इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो पूरे के पूरे शहर को इमोर्टल्स बना दे, जिन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हकान जैसे तैसे कर उन कीज को निकाल लेता है, जिसके बाद उसे वजीर ये समझाती है कि कीज को सिर्फ लोगों के अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, ताकि उसकी रोशनी देखकर लोग एक ही जगह पर फोकस करें, क्योंकि इसका असली काम एक्चुअल में फैजल कर रहा है, एक बड़े से अलार्म को ले जाकर, जिसे एक्टिवेट कर वो सभी लोगों को वजीर को फॉलो करने के लिए कह रहा है। और देखते ही देखते इस्तांबुल के आधे से ज्यादा लोग अब इमोर्टल्स बन गए हैं, जो वजीर के कहने पर हकान को सीधे मारने निकल जाते हैं। और हकान खुद को बचता बचाता जैनब से टकराता है, बट जैनब भी अब एक इमोर्टल्स बन चुकी है, जो उसे पकड़कर मारना चाहती है। जिसके बाद हकान खुद को बचाते हुए एक लेक में कूद जाता है और उसकी से कुछ लाइट्स निकलती है, जो उसकी करामाती कमीज से लगकर उसे एक अलग ही दुनिया में भेज देती है, जिसका हकान को अंदाजा भी नहीं कि वह अभी किस जगह पर है। लेकिन पानी से बाहर निकलते के साथ में ही उसके सामने आती है वजीर,
जो उसका इंतजार कर रही है। और हमें सिचुएशन देखकर ये चीज तो साफ साफ समझ आ जाती है कि हकान एक्चुअल में पास्ट में चला गया है, जहां पर वो दोनों इस्तांबुल को पूरी तरीके से डेवलप होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। यानी देखा जाए तो हकान पास्ट में सारी की सारी चीजों को ठीक करने आया है, जो कि हमें सीजन 3 वही दिखा रहा है, यानी वजीर के दिल में एक सच्ची मोहब्बत जगाने, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में हो ही ना और पूरे के पूरे लोग बिल्कुल सेफ रहे। जिसका मतलब साफ है कि अब सीजन 3 में हमें टाइम ट्रेवलिंग के जरिए सारी की सारी सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई जा रही है, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है कि अगर सीजन 4 में इस पूरे के पूरे प्रोटेक्टर शो को खत्म किया गया तो लेवन और लैला के कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा कुछ होगा ही नहीं अगर पास अकान ने पूरी तरीके से बदल दिया तो। यानी पास में पूरा फोकस प्रेजेंट पर ही रखा जाएगा। वेल, तो ये है दी प्रोटेक्टर की पूरी के पूरी कहानी, जिसे मैंने आपको इसकी एंडिंग एक्सप्लेन के साथ समझा दी है। तो अब आपकी क्या राय है दी प्रोटेक्टर के सीजन 3 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपने सच में इस पूरे के पूरे शो को देखा भी था या नहीं, क्योंकि ये शो हिंदी में भी अवेलेबल है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।